नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वॉइस में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं कि गोरखपुर और फूलपुर में हो क्या रहा है। आपको बता दें कि जो शुरुआती रुझान है वो ये कि इस वक्त फूलपुर में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी गोरखपुर में आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ देर और इंतजार करिए, इसके बाद धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती चलेगी। लेकिन शुरुआती रुझान में तो यही देखने को मिला है कि बीजेपी में योगी जी का जो दम है वो वहां पर देखने को मिल रहा है, जबकि इस वक्त फूलपुर से जो खबर है वो बीजेपी के लिए झटका देने वाली खबर है। और यही नतीजे के बाद, यानी आज जो उपचुनाव है इस नतीजे के बाद से 2019 की रणनीति तय होगी, और इसके बाद ये भी आकलन कर लिया जाएगा कि जनता के मन में अब क्या चल रहा है। तो हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, हम अपडेट भी आपको देंगे। हमारे रिपोर्टर पल पल की नज़र खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार बने हुए हैं गोरखपुर में भी और फूलपुर में। लेकिन इससे पहले दीप्ति भरद्वाज जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ओपी यादव जी जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे एडिटर कुमार भवेश जी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले, लेकिन इस बीच हम एक खबर जो आपको अपडेट कर दें कि इस वक्त आ रही है फूलपुर पिपराइच विधानसभा का जो रुझान आया है उसमें एसपी 1812 वोटों से बीजेपी से आगे है। आपको बता दें कि पिपराइच विधानसभा का रुझान आया है। वहीं गोरखपुर की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी 166 वोटों से एसपी से आगे चल रही है। गोरखपुर यानी कैपियरगंज विधानसभा का यह रुझान है, यानी दो रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, फूलपुर और गोरखपुर, यानी दो विधानसभा जो हैं वहां के, यानी लोकसभा के लिए जो अलग अलग विधानसभा हैं जो काउंटिंग हो रही है उसमें जो रुझान आया है उसमें ये कि गोरखपुर कैपियरगंज विधानसभा का जो रुझान है उसमें ये कि बीजेपी 166 वोटों से एसपी से आगे है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये मार्जिन नहीं है और इसे बाद में मैनेज भी किया जा सकता है। जिस तरह से वहाँ पर वोटिंग हुई है, वोटिंग के आधार पर, यानी वो तस्वीरें कुछ देर बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन जहाँ तक फूलपुर की बात कर लीजिए तो एक बहुत बड़ा अंतर है। फूलपुर में बीजेपी पीछे चल रही है जबकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। फूलपुर के पिपराइच विधानसभा का रुझान आया है और उस रुझान में जो देखने को मिला वो 1812 वोटों से बीजेपी से आगे है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो इस रुझान को देखने को तो यही मिल रहा है कि गोरखपुर भी बीजेपी आगे ज़रूर है लेकिन वहाँ पर एक काफ़ी मशक्कत है, यानी कड़ी टक्कर है। दीप्ति भरद्वाज जी और ओपी यादव जी बने हुए हैं लगातार। दीप्ति जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर दो परीक्षा है, पर एक परीक्षा तो ये है कि योगी जी की सीट है और डिप्टी सीएम की सीट है, दूसरी परीक्षा ये है कि सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार की बात तो अभी दूर की बात रही, 2019 में रणनीति पर बात होगी, लेकिन अभी इस वक्त बीजेपी की सरकार है और ये दोनों परीक्षा जो है आपको पास करना है, लेकिन उस परीक्षा में कहीं ना कहीं फेल नजर आते हुए देख रहे हैं आप। अभी तो ये नहीं कह सकते कि फेल नज़र आ रहे हैं, परिणाम अभी जो रुझान आ रहे हैं उनके आधार पर ये टिप्पणी स्वाभाविक है। लेकिन मुझे, मैं पता नहीं क्यों इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट करती है और जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कई बार ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं कि व्यक्ति जो है चीज़ों को, हम किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के अपनी चीज़ों को रख पाते हैं, तो निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से बहन मायावती और अखिलेश यादव जी लगातार काम में लगे हुए थे और उनको ये लग रहा था कि हमें हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इस जगह पर हमको लड़ना है, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी भारतीय जनता पार्टी ने की है। हम उसे अकेले नहीं, उसको उनके उसको दमखम को अकेले नकार नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल आप, लेकिन जहाँ तक सीएम आदित्यनाथ की अगर बात कर ली जाए तो वो इस लड़ाई में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे, खासकर अपनी सीट को बचाने के लिए, गोरखपुर की सीट को बचाने के लिए। हालांकि जो नतीजे हैं अभी सकारात्मक हैं, उनके पक्ष में हैं रुझान के हिसाब से, आगे देखना होगा कि तस्वीरें किस तरह से आती है। ओपी यादव जी, सवाल ये उठता है ओपी यादव जी कि दोनों जगहों पर दोनों ही महत्वपूर्ण सीटें हैं, एक सीएम तो एक डिप्टी सीएम, और पद के साथ साथ वहाँ विकास को लेकर जनता बहुत ही ज्यादा वहाँ पर अपेक्षा कर रही है। लेकिन उस अपेक्षा के अनुसार जो लगातार रिपोर्ट मिल रही थी, जो खबर आ रही थी वहाँ से, वो जनता में कहीं ना कहीं निराशा है, वही वो तस्वीर आ रही है सामने। अब देखिए, ये संयोग है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रिजिग्नेशन से खाली हुई दोनों सीटों पे बाय इलेक्शन हो रहा है और 2019 के लिए एक तरह से ये सेमीफाइनल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कैराना का पार्लियामेंट का बाय इलेक्शन होना है और एक नूरपुर का असेंबली का इलेक्शन का बाय इलेक्शन होना है। इस सीधे चुनाव में 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव दिख रहा है। एक बेसिक चीज़ निकल के आ रही है फूलपुर में, फूलपुर का जो ग्रामीण एरिया है, फूलपुर और फाफामऊ,
फाफामऊ में अंसार अहमद पूर्व मंत्री हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, फूलपुर और फाफामऊ में यादव कुर्मी और मुस्लिम और दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है, यहाँ पर ज़्यादा वोटिंग का टर्नआउट हुआ है और यहाँ समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिलती दिख रही है शुरुआती रुझानों में। इसके अलावा जो अभी इलाहाबाद पुल उत्तर और दक्षिण का अभी रुझान हमारे पास नहीं आया है, तो एक तो बड़ा संकेत वहाँ से आ रहा है कि सोशल कम्बिनेशन जो ज्वाइंट अपोजिशन का है उसमें अभी कांग्रेस की पिक्चर साफ नहीं हो रही कितना वोट कांग्रेस को मिल रहा है फूलपुर में, लेकिन ज्वाइंट अपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामीण एरिया में ग्रामीण इलाकों में मजबूत दिखाई दे रहा है अभी शुरुआती दौर में, ये फूलपुर की तस्वीर आ रही। गोरखपुर से पता चलता है कि गोरखपुर में सहजनवा और पिपराइच, जो सहजनवा यादव डोमिनेटेड है, यहाँ शारदा प्रसाद रावत बड़े नेता हुआ करते थे सोशलिस्टों के, सिंचाई मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, और पिपराइच जो निषाद डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की बड़ी बढ़त है शुरुआती दौर में। और जो गोरखपुर ग्रामीण, एक बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, गोरखपुर ग्रामीण में योगी साहब के बड़े नजदीकी रहे हैं विजय बहादुर यादव, वो भारतीय जनता पार्टी में उनके बगलगीर हुआ करते थे और गोरखपुर ग्रामीण से लगातार एक दशक तक विधायक, बिल्कुल अब वो समाजवादी पार्टी में। जी, एक बार हम रोकना चाहेंगे, एक बार हम जनता को बता दें, दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं टैली के हिसाब से, यानी फूलपुर के जो हम वोटों की गिनती के हिसाब से जो हम दिखा रहे हैं, वो जो चुनाव आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल जो जारी किया गया है वो हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर में वोटों की गिनती तो हो रही है लेकिन अभी जारी नहीं किया गया, इसलिए हम आपको वहां नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही रुझान के हिसाब से वो भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त फूलपुर में जो आंकड़े आ रहे हैं, कौशलेंद्र प्रताप सिंह 9906 वोट अभी तक उनको मिले हैं, नगेंद्र प्रताप उनके भी आंकड़े हम दिखा रहे हैं, और उसके अलावा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको क्या मिले हैं वो भी जो आंकड़े जारी किए गए वहां से वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमें अगर टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे टेलीविजन को अगर आप फॉलो करते हैं दाहिनी तरफ जो हम टैली लगातार दिखा रहे हैं, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी किए जा रहे हैं वो हम लगातार इसमें दिखा रहे हैं, आगे भी हम दिखाएंगे। गोरखपुर के खासकर अगर बात कर लीजिए तो अभी तक वहां जारी नहीं किए गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है फूलपुर से, फूलपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, सपा प्रत्याशी को 12,383 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि पहले राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो गई है, 13,383 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 9,906 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की अगर बात कर लीजिए, अतीक अहमद जो कि सबसे बड़ा फैक्टर बना था, 2,570 वोट मिले हैं अतीक अहमद को, यानी पहले राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो गई है और वो ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है 13,383 वोट के साथ, जबकि बीजेपी प्रत्याशी की अगर बात कर लीजिए 12,383 वोट के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी की अगर बात कर ली जाए तो 9,906 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी अतीक अहमद को 2,570 वोट मिले हैं। यानी फूलपुर से हम आपको दिखा रहे हैं ये पहले राउंड की जो मतगणना हुई है वो ये वोट के आंकड़े हैं, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं 12,383 वोट के साथ, यानी कि पहले राउंड में मिले हैं, जबकि बीजेपी को 9,906 और अतीक अहमद, यानी अतीक अहमद भी एक फैक्टर है वहां पर, और आपको बता दें कि वहां के सांसद भी रहे हैं इसलिए मजबूत दावेदार के तौर पर माने जा रहे थे, निर्दलीय हैं, 2,570 वोट मिले हैं। जी ओपी यादव जी, जी तो जहाँ तक फूलपुर की बात है, फूलपुर का जो ग्रामीण एरिया है यहाँ समाजवादी पार्टी की बढ़त का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक बड़ा परिवर्तन आप 14 के पार्लियामेंट के बाद देख रहे हैं कि सपा बसपा गठबंधन का बनना या बसपा का समाजवादी पार्टी को समर्थन देना, दोनों दलों का नज़दीक आना एक बड़ी कवायद हुई है राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में, और इसका सीधा नतीजा ग्रामीण एरिया में फूलपुर में भी देखने को मिल रहा है, गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है, एक बड़ी चीज निकल के आ रही। जो मैं बताना चाह रहा था, विजय बहादुर यादव एक दशक तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और योगी साहब के बहुत ही नज़दीकी हुआ करते थे, मंदिर से उनका मिलना जुलना बैठना उठना रहा, वो इस समय समाजवादी पार्टी में है और पिछला विधानसभा चुनाव गोरखपुर ग्रामीण से आ रहे हैं। गोरखपुर ग्रामीण में निषादों की भी बहुत अच्छी संख्या है और संजय निषाद वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं असेंबली का, इसके पहले कांग्रेस ने फिल्म एक्ट्रेस काजल निषाद को चुनाव लड़ाया था, तो निषादों पे प्रयोग होता रहा गोरखपुर ग्रामीण में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अभी शुरुआती बढ़त है, और दूसरा गोरखपुर ग्रामीण और इसके अलावा कैंपियरगंज, गोरखपुर सदर में वोटिंग कम हुई है लेकिन कैंपियरगंज और गोरखपुर ग्रामीण यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन होगा निश्चित तौर पर बताएगा कि क्या हार जीत का मार्जिन कितना ज्यादा होता है कितना कम होता है। वो जी जो एक तस्वीर बन के सामने जो अभी तक आ रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनाव है ये टफ है,
इतना आसान नहीं है जितना दावा किया जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार अपने अपने इलाकों में जब दौरे कर रहे थे तो ये दावे कर रहे थे कि ये जीत का मार्जिन जो पिछली बार से कहीं बहुत ज़्यादा रहने वाला, मुझे लगता है वो स्थिति जो है अब बिल्कुल नहीं है। जी भावेश जी, आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, इसलिए हम दीप्ति भारद्वाज जी के पास जाना चाहेंगे। दीप्ति जी, निश्चित तौर पर ये चुनाव है और चुनाव में हर कोई पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि केंद्र और प्रदेश में सरकार है और इसी सीट से, खासकर जो सीट है, कोई दूसरी सीट होती तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता या चर्चा नहीं होती, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की सीट है, डिप्टी सीएम की सीट है और इसलिए नाक का एक सवाल बना हुआ है। नगर निकाय चुनाव में आपने देखा दोनों जगहों पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए थे, जहां मुख्यमंत्री ने खुद जहां वोट किए थे वहां भी प्रत्याशी हार गए थे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के मन में जो है वो बदलाव की भावना जागृत हो रही है। नहीं विद्यासागर जी, इतनी जल्दी तो जनता बदलाव की बात नहीं करेगी। मुझे जहाँ तक मालूम है कि अभी चूंकि एक वर्ष हुआ है, 19 तारीख को एक वर्ष पूरा होगा योगी सरकार का, तो स्वाभाविक है कि किस गड्ढे पाटने में और जिस तरीके की व्यवस्थागत खामियां थी उनको सुधारने में भी वक्त लगता है और ये जनता इतनी समझदार होनी चाहिए। देखिए लेकिन इसमें एक चीज है जी, देखिए गोरखपुर की जहां तक बात कर लीजिए, 3 दशक से बीजेपी का कब्जा रहा है, 5 बार सांसद रहे खुद योगी आदित्यनाथ जी। अब सवाल यह है कि वहां जो विकास को लेकर अगर बात करें तो बातें हुई है और ये चिंता योगी आदित्यनाथ ने जी भी ने जब चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे तब भी जताते थे हमेशा उल्लेख के जरिए या अपनी बातों के जरिए, बड़े ही संवेदना के तहत वो बात करते थे। लेकिन अब जब उनको मौका मिला है तो पिछले 1 साल की अगर बात कर ली जाए तो वहां से जिस तरह से खबर आती थी जनता में बहुत निराशा थी। जनता बार बार ये कह रही थी, यहां तक कह रही थी कि जनता, गोरखपुर की जनता, कि हम तो वोट का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे इलाके में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। ये एक फैक्टर हो सकता है। नहीं विद्यासागर जी, जिस दिन से मोदी योगी जी ने वहाँ पर कार्यभार संभाला है वहाँ से आकर के, तो स्वाभाविक है कि उसके बाद लगातार वहाँ पर उन्होंने अपने पहली बात तो यही ऑब्जेक्शन हुआ करता था लोगों को कि सांसद जो है वो अपने इलाके में दिखाई नहीं पड़ रहा है या वो मुख्यमंत्री बन गए तो अपने इलाके में दिखाई नहीं पड़ रहे, तो ये सबको पता है कि वो हर महीने जा करके किस प्रकार से उन्होंने गोरखपुर की जनता के साथ निरंतर संवाद स्थापित किया। और उसके बाद में उन्होंने जैसे चीनी मिलों जो समाप्त होने की कगार पर पहुँच गई थी, है ना, उनका नए सिरे से उनका वो किया गया, उनको लगाया गया और सब सही किया गया उनकी स्थितियों को, गन्ना किसानों की समस्याओं को सुलझाया गया। स्वाभाविक है कि इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें थी। जनता के भीतर जो आक्रोश नहीं है, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो मुझे जहां तक समझ में आया चीजों को देखने के बाद, कि वो जनता के भीतर आक्रोश नहीं है बल्कि जनता के भीतर एक ऊब सी है कि अभी 6 महीने के लिए एक चुनाव हो रहा है और 6 महीने बाद फिर हमें एक चुनाव में गुजरना के दौर से गुजरना है। तो स्वाभाविक है कि बहुत रुझान या बहुत उत्साह जनता के भीतर नहीं है। लेकिन जी अभी जो मतलब रुझान आ रहे हैं, जो अब तक जो सामने आया है, उससे तो नहीं लगता है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि बहुत जीत का बहुत बड़ा मार्जिन होगा, या फिर जो हमने जो विकास को लेकर जनता जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो जो रुझान है उससे तो नहीं लग रहा। भावेश जी देखिए, एक चीज़ है, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है और उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण के कारण से कई बार चीज़ें जो बनती हुई चीज़ें हैं, विकास का जो मुद्दा है वो गौण हो जाता है। फूलपुर की स्थितियां कुछ इसी प्रकार की हैं। आपको मालूम है कि एक स्वतंत्रता के बाद से एक लंबे अरसे तक वहां पर कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री और उसके बाद में फिर दूसरे दलों के लोग वहां पर रहे। भारतीय जनता पार्टी को ये पहला अवसर मिला था कि हमने वहां पर अपनी एक बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद निरंतर वहां पर काम किया गया। निरंतर काम किए जाने के बावजूद जनता किस प्रकार की टेस्ट को रखती है, किस प्रकार का उसका रुझान है, वो क्या चाहती है, इसके मर्म को समझने के लिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी वहां पर लगातार रहे, उन्होंने वहां की जनता से भी संवाद किया है। तो स्वाभाविक है, मुझे ये लगता है कि इतनी जल्दी कोई टिप्पणी कर पाना कि जनता हमें नकार रही है ये गलत होगा, हमारे विकास के मुद्दे को लेकर जातीय समीकरण की बात कर रही थी। क्या आपको लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि बसपा और सपा के बीच का जो है वो जो तालमेल है, गठबंधन तो नहीं है, तालमेल जो है वो बेमेल है, लेकिन जनता ने लगता है इसको स्वीकार कर लिया है, जो अभी जो फूलपुर से जो रुझान आ रहे हैं, पहले दौर में वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जो है बढ़त दिखाई दे रही है।
2017 का जब चुनाव हुआ था तो पहले क्या अगले तीन राउंड तक जो है वो सपा ही बहुत बढ़त बनाए हुए थी और ज़बरदस्त उनके भीतर वो मचा हुआ था और उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़े थे। तो मैं इतनी जल्दी तो किसी भी प्रकार के इस तरीके के उसमें नहीं जाती, मुझे ये मालूम है, मैं आश्वस्त हूँ। और कारण उसका ये है कि एक तो विकास का मुद्दा, दूसरे दोनों जगह के दोनों सांसदों द्वारा किया गया उनके इलाके का विकास कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने जनता से लगातार संवाद स्थापित किया। ऐसा नहीं था कि वो अगर मुख्यमंत्री पद पर आ गए या मुख्यमंत्री पद पर आ गए तो उन्होंने जनता से संवाद छोड़ा। विकास कहीं हो ना हो जी, लेकिन पूर्वांचल का विकास बहुत जरूरी है और ये सालों से पूर्वांचल उपेक्षित रहा है। अब चूंकि पूर्वांचल से चीफ मिनिस्टर है वहां पर, तो वहां के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है। हम तो ये मानते हैं कि सिर्फ पूर्वांचल से ही नहीं, हम तो तीनों मुख्यमंत्रियों के इसी रूप में लेते हैं कि तीनों पूर्वांचल के विकास के लिए उनको बनाया गया है और तीनों तीनों जो है पूर्वांचल के ही उसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से गोरखपुर और उसके आसपास के जो इलाके थे उनमें जिस प्रकार का पिछड़ापन था, वो सच में अगर आप वहां जाइए और उसके बाद में आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ जाइए तो जमीन आसमान का फर्क उत्तर प्रदेश में देखिए जनता की तरफ से इतने सारे लोग गोरखपुर ने दिए, इतने सारे लोग प्रधानमंत्री तक दिए उस तरफ के इलाकों ने, लेकिन उसके बावजूद वहां विकास नहीं हुआ, ये वास्तव में चिंताजनक था। वहां की आबादी, वहां के जो सीटें हैं वो सरकार बनाने को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, इसीलिए जातिगत समीकरण भी, देखिए विकास बोर्ड का गठन करना हो या पूर्वांचल के लिए एक अलग रणनीति तैयार करना हो, ये दोनों ही कामों पर सरकार लगातार जोर दे रही है। योगी जी लगातार उस पर ध्यान दिए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगातार इस बात की चिंता है कि पूर्वांचल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये सब कह रहे हैं जी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने कई बार चाहे बीजेपी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से भी कई बार निशाना साधा गया है, विकास तो सिर्फ इटावा में हुआ है या फिर रामपुर की बात कर लेते हैं लोग, लेकिन सवाल ये है कि आपको किसने रोका है विकास करने से? आप भी अगर इटावा की तरह ही गोरखपुर को विकास कर दें तो कम से कम वहाँ की जनता खुशहाल हो जाए, वहाँ भी वहाँ के जो सड़क की हालतें हैं वो ठीक हो जाए, शहर अच्छे हो जाए, लेकिन वहाँ एक ठोस जो नीति है वो काम नहीं कर रही है। ओपी यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे पास फीडबैक लगातार जो वहाँ से मिल रहा था, जिस तरह से लोग वहाँ से बता रहे थे कि योगी जी वहां 5 बार के सांसद तो हैं ही, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तुरंत यह ऐलान किया गया कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सड़कें हैं उसके गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, अभियान चलाया गया, अभियान के तहत काम भी हुआ, लेकिन उनके ही अपने क्षेत्र में गोरखपुर में संसदीय क्षेत्र में वहां से कई जगहों से इस तरह की खबर आई कि सड़क के कारण आजादी यानी 70 साल से लोग बेहाल हैं, अब तक वहां पर सड़क नहीं बनी और इस चुनाव में भी सड़क नहीं बनी, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके इलाके में सड़क नहीं बनी है और वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। तो आप इसे कैसे मान सकते हैं? देखिए अभी तक की जो स्थितियां रही हैं जी, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपके पास आएंगे। फूलपुर लोकसभा उपचुनाव दूसरे राउंड में सपा प्रत्याशी को 22,460 मत मिले हैं। आपको बता दें कि दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को 22,460 मत मिले हैं जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 21,402 मत मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की जहां तक बात कर ली जाए तो 4,695 मत के साथ गिनती लगातार जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार मनीष मिश्रा को केवल 938 मत मिले हैं, यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनीष मिश्रा, ये इनके पिताजी इंदिरा गांधी के वो निजी सचिव रह चुके हैं और इसलिए वहां पे ये चुनाव लड़ रहे हैं मनीष मिश्रा। और देखिए कि वहां कांग्रेस की किस तरह से दुर्गति हुई है, अभी तक 938 मत मिले हैं कांग्रेस को विद्या। और जो दीप्ति जी, आप अभी जो ये फूलपुर का जो अभी रुझान आया है दूसरे दौर के बाद, उसके बाद लग रहा है कि बहुत टफ फाइट है बीजेपी और उसके बीच में, क्या लगता है आपको फाइनल रिजल्ट में? आपको लगता है कि जो उप मुख्यमंत्री का दावा था कि 60 हमारा बाकी में सब बाकी, तो ये अब दावा तो मुझे लगता है खत्म होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता, अभी मार्जिन इतना बड़ा नहीं है जिसको मैं ऐसे करके स्वीकार कर लूं, क्योंकि अभी जिस इलाके के, ये कई बार ये भी होता है क्षेत्र बटे हुए होते हैं, है ना, स्थान बटे हुए होते हैं कि यहाँ इस जगह की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट खोलेंगे तो इतने प्रतिशत इनको मिलने वाला है। अब ये रुझानों के ऊपर निर्भर करता है, हो सकता है कि अभी जो दिख रही है तस्वीर उसके आधार पर आप कहें कि फूलपुर जो है हम भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे खारिज हो जाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का जो दावा है वो निश्चित तौर पर सिद्ध होगा और विकास का मुद्दा जीतेगा वहां पर। तो अभी भी आप ये दावा करेंगे कि जो उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि 60 हमारा बाकी में सारा? बिल्कुल मैं तो ये निश्चित मान करके चल रही हूँ, अभी मैं निश्चित मान करके चल रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं। और एक बात और ध्यान देने की है इस पूरे इलेक्शन में कि
सपा और बसपा के गठबंधन को तो बहुमत दिखाई दे रहा है इसमें, है ना, दो राउंड में दिखाई पड़ा है, लेकिन कांग्रेस की जिस प्रकार से दुर्गति हुई है, जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति बनी है, तो ये भी एक सोचने की बात है कि इन तीनों का जो अलायंस होने की संभावनाएं बन रही है, या कल जो सोनिया गांधी जी ने एक डिनर इन्वाइट किया था, है ना, तो वो उसमें जिस प्रकार की रणनीति बनाने की बात चल रही थी, उसमें आखिर उत्तर प्रदेश में इनका सिरमौर कौन बनेगा, इनका मुखिया कौन बनेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। देखिए, कांग्रेस की दुर्गति मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में खुश होने की वजह है, बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में अगर इस तरह का तालमेल बन जाता है तो मुझे लगता है ये दोनों ही दल जो क्षेत्रीय शत्रुप जो है आपके लिए बड़ी मुश्किल बन जाएंगे। ये मुझे लगता और है फूलपुर सीट से मेहनत हमसे जरूर करवाएंगे जी, लेकिन और फूलपुर सीट से जो इस वक्त खबर आ रही है जी, दीप्ति जी हम खबर बता दें, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नागेंद्र सिंह पटेल जी, वो बहुत ही कम वोटों से अब आगे बढ़ रहे हैं, यानी उनके जो बढ़त के जो लगातार जो बढ़त बना रहे थे, सपा प्रत्याशी महज 150 वोटों से ही आगे हैं। ये फूलपुर से इस वक्त जो अपडेट है वो अपडेट हमें मिल रहे हैं, वो ये कि दोनों में कांटे की टक्कर है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी में कांटे की टक्कर है, कभी वो आगे हो रहे हैं तो कभी, यानी बीजेपी चल तो पीछे ही रही है लेकिन बहुत ही कम वोटों से अब पीछे चल रही है बीजेपी के प्रत्याशी। एक बार आपको फिर से बता दें कि फूलपुर सीट से इस वक्त जो रुझान मिल रहा है दूसरे राउंड का, उसमें ये कि सपा प्रत्याशी महज 150 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी 1000 का जो मार्जिन था वो कम होकर चला आया है, यानी 150 पे सिमट गया है। और लगातार हम आपको अपने स्क्रीन के और हम सीधे राम गोपाल यादव बोल रहे हैं कुछ, वो हम सुनाते हैं। तो राम गोपाल यादव कुछ कह रहे थे, हम वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम आपको बता दें कि जो इस वक्त हमारे पास अपडेट है वो ये कि सपा के प्रत्याशी महज 150 वोटों से आगे हैं। और एक बार और हम दर्शकों से ये बता देना चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पर जो राइट साइड में जो आप टैली देख रहे हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से जो जारी किया गया है वो आंकड़े, हालांकि गोरखपुर में हम आपको अभी कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए, हालांकि हम वहां के अपडेट जरूर दे रहे हैं, हमारे जो सूत्रों के हवाले से हमारे जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं वो हमें लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं, वो अपडेट के जरिए हम स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग के जरिए, लेकिन उस टैली में हम लगातार शून्य शून्य इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी फिलहाल किसी प्रकार का वहां पर आंकड़े नहीं बताए गए हैं, जबकि फूलपुर के लगातार आंकड़े बता रहे हैं, यानी कि कौशल प्रताप सिंह हो, नगर प्रताप सिंह और अतीक अहमद को जो वोट मिले हैं वो हम लगातार आपको अपडेट दिखा रहे हैं। तो दीप्ति भारद्वाज जी कुछ कह रही थी आप जी। विद्यासागर जी, एक चीज है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ कुछ और भी प्लस पॉइंट हैं, एक तो वो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी से पूर्व, उन्होंने ही कार्यभार संभाला और पूरा 14-17 का इलेक्शन उन्होंने लड़वाया, उनके मार्गदर्शन में हमने लड़ा, और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता से सीधा संवाद करते हैं, उसकी समस्याओं को सीधे सुनते हैं, और सिर्फ क्षेत्र की बात नहीं करती, मैं उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र से आती हूँ और वहाँ से भी आकर के अगर मैंने उनसे कभी किसी समस्या को कहा तो इमीडिएट सुना गया और उसकी कार्यवाही तुरंत हुई। मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं से इतनी मुस्तैदी के साथ जुड़ा हुआ है, इतना लगाव रखता है, उनकी चिंता करता है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हारेंगे। फूलपुर में जो दिखाई दे रहा था अभी, ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य का अपने कार्यकर्ताओं से पकड़ कमजोर हो गया। नहीं, आपने देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उसके समर्थकों ने उत्साह नहीं दिखाया, वहाँ वोटिंग परसेंट कितना कम था और कितनी मेहनत के बाद भी अगर वहाँ पर ये वोटिंग परसेंट रहता है तो मुझे लगता है आपका ये दावा बिल्कुल उतनी मजबूती के साथ इसको बात को आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। कौशलेंद्र जी चूंकि संगठन से ही गए हुए व्यक्ति है, कौशलेंद्र जी का अपना एक व्यक्तित्व है, कौशलेंद्र जी वहाँ के लिए बाहरी उम्मीदवार हैं और वो बनारस के वाले ही माने जा रहे हैं फूलपुर में, मुझे लगता है कि इसलिए वहाँ जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये समर्थन ठीक है, अभी क्लोज फाइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर में बड़ी है जी। बिल्कुल, अब इसमें एक और फैक्टर है फूलपुर से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे थे और अब जो महज थोड़े ही सीट से आगे हैं जो रुझान में सामने आया है, तो उसमें एक और फैक्टर है ओपी यादव जी से हम जानना चाहेंगे। ओपी यादव जी, सवाल ये उठता है कि अतीक अहमद को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि अतीक अहमद आखिरकार जीत तो नहीं रहे हैं वो, लेकिन किसको नुकसान कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या उनके खड़े होने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगे हैं? देखिए रंजीत जी, 2004 में अतीक अहमद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं फूलपुर से,
और अभी तक जो रुझान आया है उसमें करीब 5,000 के आसपास उनको वोट मिल चुका है फूलपुर से। फूलपुर में जो फाफामऊ है और फूलपुर ग्रामीण, ये समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड का एरिया है, और जो सोशल कम्बिनेशन है महागठबंधन का या सपा बसपा गठबंधन का जो सोशल कम्बिनेशन है, जमीन पे यहीं उतरता नज़र आ रहा। लेकिन उत्तर और दक्षिण, जब वहाँ पर काउंटिंग के रिजल्ट हमको मिलना शुरू हो जाएंगे, नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर अतीक अहमद की उपस्थिति वहाँ पर है। उनके परिवार के लोग, उनके भाई अशरफ विधायक वहाँ रहा करते हैं, रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी उपस्थिति है। और अगर समाजवादी पार्टी का नुकसान अगर कोई कर सकता है तो वो अतीक अहमद से ही हो सकता है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि मार्जिन थोड़ा घटी है समाजवादी पार्टी के नागेंद्र सिंह पटेल जी की, मार्जिन थोड़ा घटी, क्योंकि 5,000 के आसपास अतीक अहमद साहब को वोट मिल चुका है। तो एक बड़ी चीज़ ये है कि जो भी नुकसान की संभावना नज़र आ रही है वो अतीक अहमद साहब से नज़र आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तरह से सरकार का लिटमस टेस्ट भी है ये, और सरकार ने जो काम किया है एक साल का उसके ऊपर भी जनता की एक तरह से मुहर लगने जा रही है। और पूरे देश की नज़र है फूलपुर बाय इलेक्शन पर और गोरखपुर बाय इलेक्शन पर, डिप्टी सीएम और सीएम के रेजिग्नेशन से खाली हुई है, तो निश्चित तौर पर सरकार के रिपोर्ट कार्ड का भी आंकलन जनता कर रही है, एक बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही है। दूसरी एक चीज़ जो आपने कही, जाति 1993 के बाद, जैसे इन दो एक अभी तो पूरी प्रारंभिक तौर पर रुझान आ रहे हैं तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन 93 के बाद लग रहा कि सपा बसपा गठबंधन का जो प्रयोग हुआ है उत्तर प्रदेश की सियासत में, निश्चित तौर पर जाति एक फैक्टर बन के उभर रही है। आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में निषाद और यादव बाहुल एरिया में समाजवादी पार्टी की बढ़त है, और फूलपुर और फाफामऊ जो यादव कुर्मी और दलित और मुस्लिम बाहुल एरिया है, यहां पर समाजवादी पार्टी की बढ़त नजर आ रही है। तो एक निश्चित तौर पर जाति एक फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बीच में कुछ प्रयोग किए हैं। पार्लियामेंट चुनाव के बाद आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सुभाष यदवंशी हैं, खलीलाबाद गोरखपुर से ही है, बगल से, उनकी ताजपोशी हुई है, एक बड़ा कदम है। और अभी राज्यसभा का बाय जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आपने देखा चौधरी हरनाथ सिंह यादव, ये पहले इंडिपेंडेंट भी राज्यसभा विधान परिषद में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहे, मूलतः संघ ही है लेकिन समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। तो यादव कार्ड अपनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, दो बड़े प्रयोग किए हैं। और जो अमित शाह जी की जो पॉलिसी है यादव जाटो जोड़ो अभियान पर, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने काम बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर जाति को भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में एक्सेप्ट कर रही है, अपने जैसे जेपी निषाद ने गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, एक बड़ी चीज है। जेपी बूथ लेवल पे कुमार भवेश जी, समझाना चाहेंगे कि इस वक्त बीजेपी के तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, खासकर विकास से ज्यादा कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, उसे जोड़ा जाए, और हर जाति में समीकरण के हिसाब से उसे कैसे मौका दिया जाए, हो सकता है कि ये भी फैक्टर 2019 में वो लागू करे और ये काम भी आ सकता है। नहीं, 2019 से क्यों, ये भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास के वादे करती है, विकास के दावे करती है कि विकास हमारा मुख्य मुद्दा है, लेकिन आप देखें ना कि जातीय आधार पर क्या उम्मीदवारों का चयन नहीं हो रहा है, क्या इवन पिछली बार तो खैर हुए ही थे आपके जो है 2014 में, ये जो उपचुनाव है इसमें आप देखिए कि गोरखपुर में और फूलपुर में जातीय आधार पर ही कैंडिडेट तय किए गए। गोरखपुर में एक ब्राह्मण को इसलिए लाया गया क्योंकि वहाँ ब्राह्मण का समर्थन अधिक मिल सकता था, चूँकि वो इनकी जो है जो पीठ से बाहर का व्यक्ति है वो पहली बार 30 साल बाद अगर चुनाव लड़ने जा रहा है तो जातीय आधार पर वहाँ इसका आकलन हुआ। और वहाँ पे फूलपुर में उनको पटेल की ज़रूरत थी, चूँकि पटेलों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो एक पटेल अगर उनको स्थानीय स्तर पर नहीं मिला तो वो बनारस से एक पटेल को उठा के ले आए। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गोलबंदी नहीं करती। आपने देखा अगर 2014 के चुनाव में या 2017 में किस आधार पे उन्होंने अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ समझौता किया, एक राजभर की पार्टी के साथ समझौता किया, तो भारतीय जनता पार्टी करती तो है विकास के नाम का ऐलान, लेकिन जातीय गणित जो है ये हिंदुस्तान की मतलब सियासत की सच्चाई है। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के जी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं रामगोपाल यादव जी, फूलपुर और गोरखपुर सीटों पर जीत का दावा किया है, क्या कुछ कहा सुनिए। गोरखपुर में कितने से पिछड़ रहे हैं? 3,000 से। वो तो गोरखपुर में भी आगे हो जाएंगे, अगर कोई बाजीगरी न हुई तो दोनों जगह बढ़िया हो जाएगा। बाजीगरी का क्या मतलब वो आप सब जानते हो। सर, जो बसपा का समर्थन आपको मिला है उसका उससे बहुत उसका है, उसके बसपा के लोगों ने बहुत ईमानदारी से, कार्यकर्ताओं ने और मजबूती से काम किया, मैं उन्हें सबको बधाई देता हूं। तो विद्या एक बहुत बड़ी बात रामगोपाल कह गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं और रामगोपाल यादव का
बसपा के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना एक बड़ा संदेश है। ये जो टाई अप है ये दोनों की जो है गोलबंदी मजबूत हो रही है, और इस चुनाव में मैं इसी बात की अपेक्षा कर रहा था कि इस चुनाव से ये दोनों दल करीब आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। और मैं अभी जो बात कर रहा था कि ये जो फूलपुर में जो भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लग रहा है वो वहाँ एक बाहरी उम्मीदवार होने की वजह से, चूँकि वो बनारस के मेयर रहे हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनका स्थानीय स्तर पर उनका जुड़ाव जो है यहाँ के वोटरों के साथ, यहाँ के समर्थकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ उस तरीके का नहीं बन पाया है जिस तरीके का केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले काफ़ी समय से बनाया था। केशव प्रसाद मौर्य वहाँ लंबे समय से काम कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर 14 में एक इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की थी कि विपक्ष का टोटल वोट मिलकर भी उनको परास्त नहीं कर सकता था, ऐसी जीत हासिल की थी। मुझे लगता है कि योगी की जीत से बड़ी जीत थी फूलपुर में, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। बिल्कुल सर, सबक मिलने वाला है। और ये जो दोनों गठबंधन है समाजवादी बसपा, ये एक अलग तरीके से यानी कि एक बार फिर से इतिहास दोहरा सकता है और जो जातीय समीकरण है उस हिसाब से बांध सकता है, लेकिन कांग्रेस की हालत बहुत ही ख़राब है। कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर, जिस तरह से वोटों की संख्या अभी तक जो आ रही है, जो गिनती में देखने को मिल रहा है, उसमें तो यही लगता है कि कांग्रेस मात्र एक सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट देने के तौर पर ही है, नाम के लिए ही बच गई है उनको यानी वोट काटने के लिए। देश में कांग्रेस की स्थिति लगातार निरंतर कमजोर हुई है। आपने देखा कि 2014 में जब 2014 का फिगर ही है शायद कि 7% 8%, ये इनका 8% से ऊपर रहते थे, 9% तक रहते थे ये पूरा लोकसभा चुनाव में। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस ढंग से कांग्रेस मुक्त भारत का जो वो अभियान चला उसके तहत जब उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में लोग वोटरों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की तो सबसे ज़्यादा डेंट कांग्रेस को हुआ। इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के जो है समाजवादी पार्टी और बसपा के वोट इंटैक्ट वोट जो है 20% के आसपास और 20 और 22% के आसपास इसको ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस के वोटों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से बहुत ही एक बड़ी चुनौती है। वो इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ आके या इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के सहयोग से ही कोई करिश्मा उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे। और इस बार मुझे लगता है कि इस बार जो इनके बीच में तालमेल बन रहा है बसपा और कांग्रेस के बीच में, यही एक माध्यम और जरिया बनेगा। कल आपने देखा कि सोनिया गांधी ने जब डिनर पार्टी दिया तो उसमें राम गोपाल यादव वहां गए थे जी, और सतीश मिश्रा भी थे बसपा से। सतीश मिश्रा और ये लंबे समय बाद सतीश मिश्रा, हालांकि उनका राज्यसभा में जो सीटें हैं बैठने की जगह है इन दोनों नेताओं की वो बिल्कुल आसपास में ही है, लेकिन पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो दोनों साथ साथ दिखाई दिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार दोनों दलों के बीच में दूरियां घट रही हैं और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होने की स्थिति बन रही है। तो प्रदेश में एक नई तस्वीर, नई सियासी तस्वीर इस चुनाव के जरिए बनने जा रही है। बिल्कुल, और ओपी यादव जी, कांग्रेस के लिए क्षत्रिय पार्टी चाहे किसी भी स्टेट में हो अब वही सहारा है। जी देखिए, 89 के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात लगातार बदलते रहे, धर्म और जाति के नाम पर। और एक मिनट हम रोकना चाहेंगे ओपी यादव जी, खबर आ रही है अररिया लोकसभा सीट से बिहार के, और अररिया लोकसभा जहां बीजेपी अररिया से प्रदीप सिंह है बीजेपी के उम्मीदवार, जहानाबाद विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार को फिर से बढ़त। वहीं भभुआ विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो 2597 वोटों से आगे चल रही है बीजेपी। तो बिहार में जारी है लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के मतगणना, और अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी 4503 वोट से आगे चल रही है। और ये चौंकाने वाले ये खबर आ रही है, अररिया से प्रदीप सिंह है बीजेपी के उम्मीदवार। आपको बता दें कि जहां तक जहानाबाद की बात कर ली जाए तो आरजेडी उम्मीदवार वहां पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि भभुआ की अगर बात कर लें तो वहां भी बीजेपी आगे चल रही है। यानी अररिया सीट की अगर बात कर ली जाए, ये एक बड़ी खबर आ रही है, अररिया जो सीट है वहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी सुबह से लगातार आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब इस वक्त खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुमार भावेश जी, ये चौंकाने वाली खबर है क्योंकि अररिया सीट जो है वो हमेशा से आरजेडी के कब्जे में रहा है, और इस बार भी संवेदनाओं के आधार पर, जैसे कि अभी अभी जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो ये बात कह रहे थे कि जो भी अगर अररिया में अगर वोटों की बढ़त मिल रही है आरजेडी को तो सिर्फ और सिर्फ संवेदनाओं के आधार पर, लेकिन ये तो करामात हो गया। हाँ देखिए, क्या बिहार में भी समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरीके से पहले चुनाव हुए थे तो उसमें जेडीयू और आरजेडी साथ में थे
और ये पहली बार चुनाव हो रहा है जब इस बार जेडीयू और बीजेपी करीब है, तो जाहिर तौर पे ये वोटों का ट्रांसफर जो है इधर से उधर, अब माना ये जा रहा है बिहार में कि अब असली दोस्त जो हैं वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ही हैं, तो उस लिहाज से मतदाताओं का रुझान भी आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं कि बसपा और सपा जो एक दूसरे के दोनों अलग अलग ध्रुव पर माने जा रहे थे उनके वोटर्स करीब आ गए हैं। तो वोटर्स भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी सियासत जो है वो राजनीतिक दलों की तरह वो भी उनका भी एक झुकाव इधर से उधर घूमता रहता है, स्विंग होता रहता है वोटरों का रुझान, तो ये उसी का नतीजा है बिहार में भी और ये यहाँ भी देखने को मिलेगा जो ये चुनाव के पहले। और भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर कहती रही है कि ये बेमेल गठबंधन है, लेकिन ये आप देख रही कि बेमेल गठबंधन, ये बेमेल गठजोड़ किस तरीके से जनता के बीच में और वोटरों के बीच में काम कर रहा है, ये उसी का नज़ीर है। ये देखिए रंजीत जी, बिहार में नीतीश जी ने मोस्ट बैकवर्ड पे काफ़ी काम किया है, एक तो बड़ी चीज़ है। और कुर्मी कुशवाहा गठजोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आया है, तो उसका कुछ लाभ, आंशिक लाभ, और प्रदीप सिंह पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बीजेपी से, और तस्लीमुद्दीन जी के इस्तीफे से खाली हुई, उनके बेटे सरफराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है अररिया, अररिया में मुस्लिमों का ज़्यादा प्रभाव। तस्लीमुद्दीन की डेथ हो गई है वहाँ पे, तस्लीमुद्दीन उनके बेटे सरफराज साहब चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर, आरजेडी के कैंडिडेट, पुराने नेता है, वहाँ मंत्री रह चुके हैं और काफी, और जेडीयू से विधायक भी थे, जेडीयू से विधायक की सीट छोड़कर उन्होंने इस्तीफा देकर इसके बाद वो आरजेडी के कैंडिडेट बने हैं जी। तो एक जो दिख रहा है वहाँ पे अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन वहाँ राष्ट्रीय जनता दल की स्ट्रांग होल्ड रही है, और जो परंपरागत ट्रेडिशनल वोट बैंक है यादव और मुस्लिम कम्बिनेशन वहाँ पे इंटैक्ट है, लेकिन कुर्मी कुशवाहा गठजोड़ और मोस्ट बैकवर्ड पे जो सरकार ने वहाँ काम किया और नीतीश जी का जो चेहरा है उसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन देख रहे हैं आप कि जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल की बढ़त है, तो निश्चित तौर पर जो सोशल कम्बिनेशन है उसके नए नए आयाम बनते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं आप, बिहार में भी देख रहे हैं जी। जी दीप्ति जी, यानी आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी को लेकर तमाम जो बातें हो रही है, खासकर नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद जो बातें हो रही थी कि बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है या फिर वोट बैंक में कमी आई है, वो कमी तो नज़र आ रही है लेकिन बहुत कमी नहीं है, आपके लिए उत्साहजनक खबर है? निश्चित तौर पर उत्साहजनक खबर है, और बिहार में बहुत अच्छी पोजीशन हो रही है ये सुनकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और नोटबंदी के बाद बीजेपी की प्रसिद्धि में कोई कमी आई हो या उसकी स्वीकृति में कोई कमी आई हो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा, इसलिए क्योंकि उसके बाद कितने सारे इलेक्शंस हम लोग जीतते चले गए, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें एक बड़ी खबर आ रही है, दीप्ति जी एक बड़ी खबर आ रही है, डीएम राजीव रौतेला ने रोक लगा दी है मीडिया कर्मियों को अंदर जाने के लिए, मतगणना का अपडेट देने से मना किया है। गोरखपुर से खबर आ रही है, और गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, डीएम राजीव रौतेला ने रोक लगा दी है, साथ ही मीडिया कर्मियों ने जब अपडेट मांगा तो उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया, मना कर दिया अपडेट देने से। आपको बता दें कि गोरखपुर से खबर आ रही है, और गोरखपुर से जो खबर आ रही है उसका मैं बता दूं आपको, ये रौतेला वही हैं जिनको वहाँ पे जो स्थापना को लेकर हाई कोर्ट जो है ऑब्जेक्शन कर चुका है। रौतेला ये स्टांच सपोर्टर माने जाते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के, और एक तरह का ये कोलिजन जो है आप देख सकते हैं कि मतलब सरकार और अधिकारी के बीच में, उसको लेकर वहाँ तरह तरह की बात होती है, और मुझे लगता है ये उसी दिशा में ये खबर है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री का बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त है और बड़ा सख्त दिखाई देते हैं वो, और ये इस तरह का मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया कर्मियों को बूथ पे जैसे उनको जो एजेंट्स को जितना अधिकार होता है उसी तरीके से उनको भी अधिकार होता है, पास बनते हैं वहाँ तक जाने का, मुझे लगता है वो उनको मिलना चाहिए, और ये मुझे लगता है इसको लेकर अधिकारियों में बिल्कुल, और ये जो है ना वो अपडेट को लेकर इस वक्त वहाँ से खबर आ रही है गोरखपुर में कि अपडेट नहीं दिया जा रहा है, लगातार जो मीडिया कर्मी है वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिलाधिकारी ना तो किसी को जाने दे रहा है ना ही नए विवाद को जन्म दे सकता है, जिस तरीके से वहाँ के रिजल्ट को मतलब होल्ड पे रखा जा रहा है गोरखपुर में, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी है ये सही बात है, पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है अपने आप में जो मतगणना को लेकर रखी जाती है उसको लेकर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए था। और हमें लगता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं पौने ग्यारह बजे तक बहुत सारे रुझान हमारे सामने आने चाहिए थे, जो अगर नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है एक अलग विवाद का विषय बन सकता है जी। और हालांकि जो सुबह सुबह जब मतों की गणना जब शुरू हुई तो उस दौरान जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने
ईवीएम पर भी सवाल उठाया था, क्योंकि अचानक से जो आंकड़े पेश आ रहे थे, जो आंकड़े आए थे सामने, वो कोई भी उसमें चौक सकते थे, और इसलिए फट से कह दिया गया। और निश्चित तौर पर इसमें किसी भी चीज़ को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं, अगर आप सबके सामने रखते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ओपी यादव जी, अब चलिए एक बार हम फिर से हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, या बिहार की राजनीति को लेकर, या फिर इस चुनाव से जुड़े हुए 2019 के जो ताल्लुक हैं, किस तरह से ताल्लुकात बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले से लगातार जो बातें कही जा रही थी उसमें थोड़े से डिफरेंस हैं। देखिए, अभी प्रोफेसर साहब को आपने स्क्रीन पे दिखाया, प्रोफेसर साहब ने एक बात और कही है कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी अगर कहीं हार रही है, गठबंधन हार रहा, तो ठिकरा सरकार पे भी फोड़ सकती है, एक बड़ी चीज़ जो निकल के आ रही। दूसरी चीज़ ये है कि जनता के मतदाताओं में असंतोष दिखा है, खासकर शहरी इलाकों में असंतोष दिखा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता ज़्यादा संख्या में रहता है, एक बड़ी चीज़ जो निकल के आई है। और दूसरी चीज़ है कि 19 का जो तानाबाना है, या उत्तर प्रदेश का ये कह लीजिए 2019 का जो सेमीफाइनल है, इसके ऊपर जो काम हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसके ऊपर भी काफ़ी प्रश्न चिन्ह है कि 2019 में जैसे कांग्रेस की आपने बात की, तो कांग्रेस 89 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होती रही, जैसे जैसे जाति और धर्म की राजनीति बढ़ती गई, कांग्रेस कम, क्योंकि कांग्रेस होल की बात करती है, संपूर्ण की बात करती है, और किसी मेजर वोट बैंक पर कांग्रेस ने काम नहीं किया। आप देखिए महागठबंधन का कल डिनर डिप्लोमेसी कांग्रेस ने बड़े बड़े लेवल पर किया, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि जिस तरह अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर 13-13, 14-14 दलों को एक साथ बैठाया, आप गोरखपुर में एक बड़ी नज़ीर देखा होगा कि प्रेमचंद बिंद हैं और संजय निषाद हैं, डॉक्टर अयूब हैं पीस पार्टी के, ज़्यादातर छोटे छोटे दलों के सारे नेताओं ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दिया। तो कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की बनिस्बत अखिलेश यादव ने एक कदम तेजी से बढ़ाया उत्तर प्रदेश के लेवल पर महागठबंधन के लिए, और उसका जो फायदा है समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। और जहां तक जो महागठबंधन तैयार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उस पर चाहे समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की कमी रही हो और चाहे कांग्रेस की लीडरशिप की कमी रही हो, इंटैक्ट जो महागठबंधन का फॉर्मूला था, ये सेमीफाइनल था 2019 का, इसमें रखना चाहिए था और दोनों दलों को जॉइंट चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए जी। एक इसमें और सवाल उभर के सामने आ रहा है, जैसे कि कांग्रेस की चर्चा हो रही है, कुमार भावेश जी आपने भी काफ़ी समय से देखा है हर चीज़ को करीब से, क्या कांग्रेस के पास इस वक्त संगठन को लेकर, यानी उनके पास लोग बहुत हैं, कार्यकर्ता बहुत हैं, लेकिन बाकी पार्टी के तरफ से जो कैडर बोर्डर जिसे हम कहते हैं वो हैं, क्या कांग्रेस में वो नहीं है? सेक्युलरिज्म की राजनीति बात तो करते हैं, लेकिन उनके कैडर वोट किसी जाति विशेष पर पकड़ नहीं है, या फिर कैडर वोट के तौर पर नहीं है, इस तरह से इसलिए इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने क्या पिछले कुछ समय से अगर देखें कांग्रेस के कामकाज को, तो कांग्रेस चूंकि सत्ता में रहने की वजह से बहुत ही ऐसी पार्टी हो गई थी जो बड़े कन्फिडेंट कह सकते हैं उसको। आप देख रहे हैं कि ये जो अपसर्ज है बीजेपी का, बीजेपी का अभ्युदय जिसको कह सकते हैं, उत्थान जो देख रहे हैं, उसकी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर समाज के साथ एक तालमेल किया है, वोटर्स के समाज जिसको कह सकते हैं कि ग्रास रूट पर लेबर पर जाना, उनके से संवाद करना कि हम चाहते क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम किस लिए सरकार में आना चाहते हैं, हम किस लिए सत्ता पाना चाहते हैं। तो ये जो है एक संवाद की प्रक्रिया के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश दिखाई दी, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में बहुत ही मजबूती के साथ केंद्र में सरकार बनाई है और लगातार अपने उस सामाजिक संबंध को बना के रखा है विश्व हिंदू परिषद के जरिए, आरएसएस के जरिए और भी जो उनके जो सहयोगी संगठन है उसके जरिए। दूसरी तरफ कांग्रेस को आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक ऐसा संगठन था जो समाज के साथ तालमेल करके उनके लिए खाद पानी का काम करता था, सेवा दल, उसको कमज़ोर कर दिया कांग्रेस ने। तो धीरे धीरे कांग्रेस ने जो है ज़मीन से कट्टी चली गई, और ये जो कोशिशें होती हैं कि दलित के यहाँ खाना खा लिया और दलित से बातें कर ली और कुछ सभाएं कर ली और खाट सभा कर ली, इससे मुझे लगता है कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं होगा। कांग्रेस को बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी और मुझे लगता है विपक्ष के तौर पर ही सही, या सत्ता पक्ष में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस को बड़ी कड़ी मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज वो इन क्षेत्रीय दलों के कृपा पर ही वो केंद्र में सत्ता पा सकती है, सत्ता हासिल कर सकती है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति यही है जी। दीप्ति जी, कांग्रेस जिस तरह से लगातार कमज़ोर हो रही है, क्या आप इसको मानते हैं कि क्षेत्रीय जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपके सामने अब चुनौती है, कांग्रेस नहीं? कांग्रेस तो अब चुनौती नहीं है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो चूंकि क्षेत्र पर अपना पूरा प्रभाव रखते हैं
और उनकी जड़ें वहाँ बहुत मजबूत भी होती हैं, एक राष्ट्रीय दल की तुलना में वो ज़्यादा व्यापक तरीके से जनता के बीच में घुले मिले हुए होते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी पकड़, लेकिन अब धीरे धीरे राजनीति ने जिस प्रकार से अपने अपने स्वरूप को बदला है तो क्षेत्रीय दलों के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। पिछले चुनावों में और उससे पूर्व के चुनावों में इस प्रकार से सामने आया कि क्षेत्रीय दलों के प्रति लोगों का रुझान कम होना शुरू हुआ और लोगों ने फिर भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राष्ट्रीय दलों को ही महत्व देना शुरू किया। तो इस समय ये जो छोटे छोटे दलों के माध्यम से एक बड़ी जीत को हासिल करने के लिए जिस प्रकार से गठबंधन हो रहे हैं, जिसे महागठबंधन का नाम दिया जा रहा है, स्वाभाविक है कि इन सारे गठबंधनों का लाभ कांग्रेस लेने के प्रयास करेगी, क्योंकि वो अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी मान करके और राष्ट्रीय दल के सबसे बड़े दल के रूप में वो अपने आप को जाहिर करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहन मायावती हो या अखिलेश यादव जी हो, वो उनके छत्रप उनके उनके उनको अपना उनको बड़ी भूमिका देने के लिए तैयार होंगे, मुझे नहीं लगता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पहले तो ये डिसाइड कर ले कि इनका नेतृत्व कौन करने वाला है, नेतृत्व कौन करेगा और माननीय मोदी जी के खिलाफ खड़ा कौन होगा चेहरा, है ना। तो जब तक चेहरा नहीं स्पष्ट होता तब तक स्वीकृति नहीं बनेगी, और मुझे ये विश्वास है कि जनता माननीय मोदी जी के प्रति अपनी आस्था और अपना विश्वास आज तक बनाए हुए हैं, उनके प्रति उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आई है, किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई है। और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। या उनका प्रतिनिधि क्या अखिलेश यादव जी की इच्छा के खिलाफ नहीं आया था, या जहां जहां कभी विरोधी दल के लोग बुलाते हैं वहां हर जगह सोनिया जी और राहुल जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, और प्रतिनिधि की उपस्थिति ये साफ बता रही है कि भाजपा के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के लिए, आप देखिएगा आने वाले चुनाव में समान विचारधारा के लोग हाथ मिलाएंगे। बीजेपी के नेता है सुनील देवधर, सरकार राज्य सरकार वहां पे बी बैन नहीं लगाएगी। देखिए बी बैन लगाना और न लगाना एक अलग बात है। गो माता के नाम पे गाय को माता बनाकर यहां पर जो लोग जानवरों का व्यापार करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, जो तस्करी करते हूं उनको पीट पीट कर मार डाला जा रहा है राजस्थान उत्तर प्रदेश में। अब किसी भाजपा के नेता में या कार्यकर्ता में दम है कि वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करे, जो खुलेआम एक चीज कह रहे हैं कि यहां बैन नहीं लगने देंगे, गाय मारी जाती रहेंगी, उनकी हत्या होती रहेगी। और हम बता दें आपको लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है, लेकिन पहले राउंड की मतगणना में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को 15,577 वोट मिले हैं, जबकि एसपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद को 13,911 वोट मिले हैं। तो उपचुनाव की मतगणना जारी है, एक बार आपको फिर से बता दें, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। डीएम राजीव रौतेला ने रोक लगाई है, वहीं अपडेट देने से भी मना कर दिया है। फाइट गोरखपुर में भी है, 13,000 और 15,000 बिल्कुल जो है नेक टू नेक फाइट है, ये अभी तक का पहले दौर की बात करें तो। और ये दिखाता है कि विपक्ष का जो है फार्मूला काम कर गया है, ये जो गठजोड़ जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये फार्मूला विपक्ष का बहुत ही सॉलिडली काम कर रहा है। अब नतीजा चाहे जो हो, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती इस चुनाव के लिए और आगे आने वाले चुनाव के लिए। लेकिन इस वक्त जो ये खबर आ रही है खासकर गोरखपुर से कि मीडिया कर्मियों को किसी प्रकार के अपडेट देने से मना कर दिया है, ये वहाँ से खबर आ रही है। और ओमपाल जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, कांग्रेस के नेता ओमपाल सिंह जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रत्याशी हैं, चाहे फुलपुर हो चाहे गोरखपुर हो, दोनों जगहों पर बहुत ही कम वोट इस वक्त पाए हैं और सबसे तीसरे नंबर नीचे पैदान पर जा रहे हैं, तीसरे नंबर पे। लेकिन खबर गोरखपुर से भी है जहाँ पर मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों को अपडेट देने से मना कर दिया, इसका क्या राज हो सकता है? तो मेरा नाम ओंकार नाथ सिंह है जी, ओंकार नाथ सिंह जी। दूसरी चीज ये है कि मीडिया को अगर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसका मतलब कि प्रशासन जो है कुछ बेईमानी करना चाहता है, क्योंकि ये एक अपने में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मीडिया की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है और इसकी हम तीव्र निंदा करते हैं। और
अपडेट भी अगर वो नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, जबकि हमेशा अपडेट दिया जाता है। ओंकार जी, ये तो नियम है ना कि वहाँ पे मतगणना स्थल पे एजेंट भी रहेंगे पार्टियों के और मीडिया को भी वहाँ एंट्री मिलती है, ये तो नियम है और उसके हिसाब से अगर वही तो मैं कह रहा हूँ जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मीडिया को नियम है कि वो एंट्री मिलती है, तो मीडिया को रोकने का मतलब कि प्रशासन पासेज इशू होते हैं उनको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है और आपको आशंका है ना कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है। कुछ न कुछ वो गड़बड़ करेंगे इसलिए ये सब कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल रहा मेरी पार्टी का तो जनता को जो फैसला उसको भी मानना ही पड़ेगा जी। अब क्यों इससे कम वोट आए हैं या क्यों क्या रिजल्ट आने दीजिए, पता चलेगा तब उसके बाद देखेंगे क्या इससे क्या होगा। नहीं, इन दोनों उपचुनाव में दोनों जगहों पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जो है काफी खराब प्रदर्शन रहा है और मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन बन रहा है सपा और बसपा का, और आपके पास भी अब इनके साथ जाने या इनका साथ लेने के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं बचा है? नहीं देखिए, गठबंधन विकल्प की बात नहीं है, हमने तो अलग लड़ाई था इसलिए चुनाव की, अगर हमारा कितना परसेंटेज हमको पता चल जाए तो हम उसके हिसाब से तैयारी करें। नहीं, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की हमारी बात सुन लीजिए पहले जी, हमारे नेता ने तो इसका प्रयास प्रारंभ कर दिया है कि विपक्ष जो है सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, हालांकि ये थोड़ा सा टफ काम होता है क्योंकि स्टेट में वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं कई जगह पे, तो उसको सबको इकट्ठा करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक प्लेटफॉर्म बने जो कि सरकार को मुकाबला कर सके और सरकार की जातियों को रोक सके। इसके लिए हमारे प्रयास चालू हो चुके हैं और आपको मालूम होगा कल रात में हमारे नेता सोनिया जी ने एक डिनर किया था जिसमें जिसको बुलाया था सभी लोग शिरकत हुए थे, उसके अंदर आए थे सब लोगों ने किया था, तो उसकी बातें हुई हैं। अब वो धीरे धीरे एक प्रारूप बनेगा, तब उसके बाद क्या रूपरेखा बनती है वो बाद बताएंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो गोरखपुर से खबर आ रही हो ये कि मतगणना स्थल पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और अपडेट देने से भी मना कर दिया गया है। DM राजीव रौतेला ने रोक लगाई है। तो पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं फूलपुर और गोरखपुर में क्या हो रहा है और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार जो परिणाम आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है या फिर जनता ने क्या मन बनाया है। क्या है गोरखपुर में, क्या है गोरखपुर में, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है जी, और इसलिए बहुत सारे कंट्रोवर्सी उठ के आ रहे हैं कि वो येन केन प्रकार हमें गोरखपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाना चाहती है कि वहाँ पर वो मजबूत है, और इसीलिए कई तरह के इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है। नतीजों पर रोक लगाना या नतीजों को लेकर जो मीडिया का कंसर्न होता है उसमें सहयोग नहीं करना, ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और आपने देखा है कि वहाँ पे आखिरी मौके पे जो है पहले जो चुनाव आयोग ने जो है प्रदेश चुनाव आयोग ने जो बताया वहाँ पोलिंग परसेंट और सुबह में जो अपडेट परसेंट था उसमें भी एक बड़ा अंतर दिखाई दिया, 4% का अंतर दिखाई दिया कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन शाम में जो एक आंकड़ा जो टेंटेटिव आंकड़ा बताया गया और सुबह में जो फाइनल आंकड़ा बताया गया उसमें भी 4% का अंतर था। तो गोरखपुर चुनाव जो है कई तरह के विवादों को लेकर भी घिरता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस पर हम लोग अभी सॉलिडली कोई चीज़ आई है सामने, हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे, हम संपर्क करने की कोशिश करना चाहिए, हमें आलोक के साथ बात करनी चाहिए कि वहाँ क्या स्थिति बन रही है। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि अपने संवाददाता आलोक पांडे से भी हम बात करें गोरखपुर में कि इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है और किस तरह से अपडेट आ रहे हैं, क्या रुझान है और लोगों में किस तरह से प्रतिक्रिया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो हम लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं कि पहले राउंड की जो मतगणना में BJP आगे चल रही है, BJP प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को 15,577 वोट मिले हैं जो गोरखपुर से खबर है। वहीं SP प्रत्याशी की अगर बात कर ली जाए तो 13,911 वोट मिले हैं। गोरखपुर लोकसभा चुनाव को लेकर जो मतगणना चल रही है वो अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वहीं जो चुनाव आयोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो जारी किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 15,577 BJP को, 13,911 SP को और सबसे नीचे जो है वो कांग्रेस है। वहीं फूलपुर की अगर बात कर लिया 30,786 वोट मिले हैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह को, जबकि नागेंद्र प्रताप सिंह को थोड़े से कम मिले हैं। और इसके बाद अतीक अहमद, यानी कांग्रेस फाइट में यहां नहीं है, अतीक अहमद तीसरे नंबर पर नज़र आ रहा है। पहले से ये चर्चा हो रही थी कि आखिरकार अतीक अहमद जो हैं वो किसे नुकसान पहुँचाएंगे, और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस वक्त सबसे आगे चल रही है फूलपुर में। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत लौटते हैं।